दोस्तों आज की वीडियो में छोटे बच्चे की पैंट कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों, जिसकी लंबाई तो है 25 इंची, कमर है 20 इंची, 24 इंची हिप है और 11 इंची मोरी है दोस्तों। इस नाप से मैं आपको कटिंग करना बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इस तरीके से एक निशान लगा लेना है, इस तरीके से। इस तरीके से निशान लगा लेना है दोस्तों। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों हमें इसकी लंबाई 25 इंची है ना, तो आधा इंच ऊपर निकाल लेना है और 25 इस तरीके से निशान लगा लेना है। और नीचे तुरपाई के लिए दोस्तों 2.5 इंची रख लेना है इस तरीके से। और आगे भी दोस्तों हमें इसी तरह से 25 और 2.5 इस तरीके से 27.5 पर निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद में हमें एल स्केल से दोस्तों हमें इस तरीके से एक सीधा निशान लगा देना है इस तरीके से। दोस्तों जो ये पैंट काट रहे हैं ये बिना प्लेट की है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसकी लटक रखेंगे, तो दोस्तों लटक हम हिप के अनुसार रखेंगे। दोस्तों इसकी हिप है 24 इंची है, 24 का हम 1/4 करेंगे तो 6 इंची आएगा। दोस्तों इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों इसकी हिप 24 इंची है तो 24 का हमें 1/4 करेंगे तो 6 इंची आएगा इस तरीके से, इस तरीके से 6 इंची आएगा। और दोस्तों हमें 1 इंची सिलाई का मार्जिन चाहिए दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों हमें 1.5 इंची एक्स्ट्रा चाहिए इस तरीके से। और दोस्तों हमें इस तरीके से ये लगभग 8.5 इंची आ रहा है, इंची टेप को आधा रख लेना है इस तरीके से। और ये आ रहा है 4.25, तो दोस्तों 4.25 यहाँ रख देना है इस तरीके से। ये हमारा बीच का सेंटर है दोस्तों। इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमारा बीच का सेंटर है पेंट का। और दोस्तों इसकी मोरी है वो 11 इंची है, तो 11 का आधा करेंगे तो 5.5 आएगा। और 5.5 का भी आधा करेंगे हम, 5.5 का भी आधा करेंगे इस तरीके से तो लगभग 2.75 इंची आ रहा है। तो दोस्तों 2.75 इंची हमें यहाँ रख देना है और 2.75 इंची हमें यहाँ रख देना है। टोटल हमें यहाँ पर 5.5 इंची रखना है क्योंकि इसकी मोरी 11 इंची है। और इसके बाद में दोस्तों हमें इन मार्कों को सीधा कर देना है। सीधा देखो कैसे करना है, इस तरीके से रख लेना है 7.5 को और यहाँ से इस तरीके से मार्का कर देना है। और इस साइड में भी दोस्तों यहाँ से रख के और इस तरीके से हमें मार्का कर लेना है इस तरीके से। हल्का सा इसको बाहर निकाल लेना है ताकि तुरपाई करने में असुविधा न हो इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर हमें इस तरीके से 7.5 को रख लेंगे इस तरीके से, लगभग यहाँ पर 1/2 इंची, और इस तरीके से सीधा कर देंगे इसको। और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसकी कमर है वो 20 इंची है, तो 20 का हम 1/4 करेंगे तो 5 इंची आएगा। दोस्तों यहाँ पर 5 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरीके से और लगभग 1 इंची सिलाई का निशान और लगा लेंगे क्योंकि लगभग 1/2 इंची सिलाई हमारी आ जाएगी। और 1/2 इंची सिलाई 1 इंची रख लेते हैं दोस्तों। और यहाँ से इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर राउंड देना नहीं आता है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि राउंड किस तरीके से देते हैं। एक तो इस तरीके से सीधा निशान लगा लेना है इस तरीके से, और सीधा निशान लगाने के बाद में इस तरीके से लगाना है गोलाई। सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों यहाँ पर हमें गोलाई रखने का इस तरीके से। और दोस्तों इसको आगे से हम लगभग 1/2 इंची इसको डाउन कर देंगे दोस्तों। प्रत्येक पैंटों में करते हैं दोस्तों, 2 सूत भी करेंगे 3 सूत भी करेंगे तो दोस्तों चल जाएगा। यहाँ से छोटे बच्चे की है दोस्तों, हेवी साइज होती है तो दोस्तों हम 1/2 इंची भी कर लेते हैं और 3 इंची भी कर लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमें ये मार्का कर लेना है दोस्तों। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पर हम लगभग 2 इंची का निशान लगा देंगे जेब के लिए, इसमें क्रॉस जेब लगाएंगे। और लंबाई का हम 5.5 इंची का इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इन निशान को दोस्तों सीधा कर देना है इस तरीके से। और दोस्तों इसकी कमर है हम लिख देते हैं, 20 इंची कमर है दोस्तों इसकी, लिख दिए हमने। और इसकी कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसकी कटिंग करने के बाद मैं आपको बैक पार्ट काटना बताऊंगा कि बैक पार्ट किस प्रकार से काटते हैं।
दोस्तों, और जो भी मैं बात बताऊं उसको ध्यान से सुनना, और कहां पर मैं मार्का लगा रहा हूं वो भी ध्यान से देखना दोस्तों। तो दोस्तों, हमें यहां पर हम जेब पर कट लगा लेते हैं इस तरीके से। और दोस्तों, हमें फ्लाई के लिए दोस्तों छोटी पैंटों में लगभग यहां से 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमारी चेन लगेगी दोस्तों, फ्लाई लगेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी। और दोस्तों, मैं अब आपको बैक पार्ट काटना बता देता हूँ कि पैंट का बैक पार्ट किस तरीके से काटते हैं। इस तरीके से पलट लेना है इसको और अच्छे से बिछा लेना है। और बिछाने के बाद में जो हमने फ्रंट पार्ट काटा है वो इस तरीके से रख लेना है। इस तरीके से लगभग हमें यहाँ पर लगभग 2.5 इंची रहना चाहिए दोस्तों। इस तरीके से हमें यहाँ पर बिछा लेना है और इन मार्कों को सीधा कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से सीधा कर देंगे और यहाँ से सीधा कर देंगे और लगभग 1/2 इंच नीचे सिलाई का निशान लगा लेंगे। ये इस तरीके से दोस्तों हमें निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों हम इसकी बैक उठाएंगे, तो लगभग इसकी लगभग 1.25 इंच इसकी बैक उठाएंगे और इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। और दोस्तों, यहाँ से हमें लगभग 1/2 इंच या 0.25 इंच इस तरीके से बाहर निकाल लेना है और इसको सीधा कर देना है। इसे रखने से दोस्तों हमें सही रहता है इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों हमें मोरी में 1.25 इंची का निशान लगा लेना है और यहाँ पर हमें दोस्तों 1.25 इंची का निशान लगा लेना है। 1.25 इंची का निशान लगा लेना है दोस्तों इस तरीके से। 1.25 इंची का निशान लगाने के बाद में दोस्तों हमें इसको सीधा कर देना है इस तरीके से, शेफ फंटी से। दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पर हम हिप का मार्का लगाएंगे दोस्तों। तो इसकी हिप हैं वो 24 इंची है, तो 24 का हमें 1/4 करेंगे तो 6 इंची आएगा और लगभग हमें 1 इंची एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, इसकी कमर हैं वो 20 इंची है, तो 20 का हम 1/4 करेंगे तो 5 इंची आएगा और लगभग हमें 1/2 इंची की सिलाई का और 1/2 इंची डोट के लिए दोस्तों हम 1 इंची ले लेंगे यहाँ पर और 2 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरीके से। और दोस्तों, हमें इन मार्कों को मिला लेना है। देखो मिलाना कैसे हैं, इस तरीके से हमें यहाँ पर मिला लेना है इस तरीके से, और इस तरीके से हमें ये मिला लेना है। और दोस्तों, इसकी गोड़ाई लगानी है, गोड़ाई हमें बहुत विशेष ध्यान से लगानी है दोस्तों। इस तरीके से हमें एक लाइन लगा खींच लेंगे और लाइन खींचने के बाद भी दोस्तों हमें यहाँ पर लगभग यहाँ से लगभग 1.25 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरीके से बीच में से, और इसकी गोड़ाई लगा देंगे दोस्तों इस तरीके से। इस तरीके से गोड़ाई लगा देंगे दोस्तों। और दोस्तों, इसकी कटिंग कर लेनी है। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, और यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करना दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये पैंट की कटिंग पूरी हुई दोस्तों, जानकारी, और मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।